हेलो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ दो तरह की बहुत ही हेल्दी टी जो कि समर के सीजन में आपको कई बीमारियों से बचाएंगी। इसमें एक पुदीना टी है और दूसरी लेमन टी है। तो चलिए सबसे पहले हम पुदीना टी बनाते हैं। अब एक पैन लेंगे, उसमें एक छोटा गिलास पानी भरकर डाल देंगे, कुछ पुदीने की पत्तियाँ डाल देंगे, एक चम्मच भर के बारीक कुटा हुआ अदरक डाल देंगे, एक चौथाई चम्मच चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं। आधा चम्मच चाय पत्ती डाल देंगे। अगर किसी को जुकाम है और वो पुदीने की एक कप चाय पिए तो उसकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। एक चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। आप इन सबको अच्छे से 1 से 2 मिनट उबलने देंगे। जब आप कभी भी मेंटली और फिजिकली थकान फील करते हैं तो उसमें आप 1 कप पुदीने की चाय पिए तो आपको बहुत ही फ्रेश फील होगा। पुदीने की चाय बनकर तैयार है। अब हम इसको एक ग्लास में छान लेंगे। हम एक पुदीने की पत्ती से गार्निश कर देंगे। तो चलिए अब हम अपनी दूसरी टी तैयार कर लेते हैं जो कि लेमन टी है। उसके लिए हम एक पैन में छोटा ग्लास पानी डालेंगे और उसको उबलने देंगे। फिर इसमें आधा चम्मच चाय पत्ती डाल देंगे। अगर आपके पास लेमन ग्रास है तो थोड़ा लंबा काट कर उसको भी डाल देंगे। अब इसमें बारीक कुटा हुआ अदरक डाल देंगे और इन सबको उबाल आने तक पका लेंगे। दो चम्मच लेमन जूस डाल देंगे। आधा चम्मच चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं। आप चीनी की जगह शहद का यूज भी कर सकते हैं। जब कभी भी आपके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा हो तो बस आप ये लेमन टी पीजिए, आपका सर दर्द एकदम गायब हो जाएगा। अब इसमें एक लेमन का स्लाइस भी काट कर डाल देंगे और इन सबको अच्छे से पकने देंगे। जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है उनके लिए भी ये टी बहुत ही फायदेमंद है। 2 से 4 मिनट इसको ऐसे ही हिला के पका लेंगे। तो लेमन टी भी बनकर तैयार है। अब हम इसको एक ग्लास में छान लेते हैं। आप इन दोनों टी को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल कीजिए, ये आपको फ्रेश और हेल्दी रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेरी इन बनाई हुई दोनों टीमें से किसी से भी फायदा लगे तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।